आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम इकबाली ज़री के मेरे तमाम प्यारे बहन और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, आमीन। नाज़रीन, आज मैं लेकर आई हूँ औरतों के फ़र्ज यानी जाय मखसूसा तंग करने का एक बेहतरीन नुस्खा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लें, शुक्रिया। बेशुमार अमराज मखसूसन मसलन लकोरिया और दीगर रतुबात के खराज या जाविये हमल के बाद ख़वातीन के जाय मखसूसा के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाय मखसूसा बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है और ख़वातीन अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगती हैं। शोहर हजरात भी अपनी बीवी में दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं। तो मैं ऐसा नुस्खा बताने लगी हूँ जिससे जाय मखसूसा के पट्टों को ताकत मिलेगी और जाय मखसूसा के ढीलेपन का खात्मा होकर अपनी असल हालत में आ जाएगी। तो चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खा नोट कर लें। खुश आंवला 50 ग्राम, फटकरी 20 ग्राम। इन दोनों एशिया को लेकर अच्छी तरह पीस कर सफ़ूफ़ सा बना लें और 2 किलो पानी में डालकर अच्छी तरह उबलने दें। जब पानी 1 किलो रह जाए तो चूल्हे को बंद कर दें। अब ठंडा होने पर जाय मखसूसा को दिन में 3 मरतबा धोएं। ये अमल 15 दिन लाजमी करना है और मखसूस आयाम में नहीं करना। 15 दिन तक अगर बापरहेज ये अमल कर लिया जाए तो औरत की जाय मखसूसा बिल्कुल कंवारी जैसी हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ अता फ़रमाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे, आमीन।